जनपद संभल के चंदोशी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश और एक सिपाही घायल। घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद संभल के चंदोशी कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इधर से गुजरना चाह रहे हैं। जिसके बाद कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ कैथल रोड पर पतरोहा चौराहे पर घेराबंदी कर दी। इसी दौरान दो लोग बाइक पर आते हुए नजर आए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में दोनों बदमाश इकराम और बिलाल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद केथर रोड पर पतरोहा चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही मोहित गौतम और दो बदमाश इकराम और बिलाल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों से चोरी हुई दो बाइक और अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। ये जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में एक लूट की सूचना चंदोशी थाना अध्यक्ष को मिली थी। यहाँ पे घेराबंदी की गई, कैथल रोड के पास में पथरुआ चौराहे के पास में घेराबंदी की गई, तो दो मोटरसाइकिल से कुछ अपराधियों ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक मोहित गौतम कांस्टेबल घायल हुआ। इसी काउंटर फायरिंग में दो अपराधी इकराम और बिलाल घायल हुए हैं, उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। इनका आपराधिक इतिहास जानकारी की जा रही है, जिसके बारे में अभी जानकारी मिली है कि ये दोनों लुटेरे के हैं, इनकी अपने जनपद से और अन्य जनपद से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूर्णतया जानकारी की जा रही है। सभी के खिलाफ अब विधिक कार्रवाई की जाएगी।